फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट रोल। ड्राई फ्रूट रोल बनाने के लिए हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने लिए थे 10 से 15 बादाम और 8 से 10 काजू लिए थे मैंने, और मैंने दो ली थी खजूरें और उनको मैंने काट लिया है और इनको आपस में मिक्स कर लिया है। आप थोड़ा सा इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप ये वाले ड्राई फ्रूट नहीं लेना चाहें तो आप किसी भी ड्राई फ्रूट को इस तरह से बना सकते हैं, फिलिंग तैयार कर सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा मैंने वनीला एसेंस और डाला है, जो एक बहुत अच्छा टेस्ट आपको फील कराएगा। आइए अब हम अपना रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्रेड को पहले पानी में सोक करना है। फिर इसको हाथ पे निकाल के अच्छे से इसका पानी बिल्कुल निचोड़ देना है। बिल्कुल ये पतला हो जाएगा, बिल्कुल और निचोड़ के एकदम इसको हम पतला कर देंगे। अब हम इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब इसमें हम अपनी फिलिंग रखेंगे। और इसको रोल के शेप में बिल्कुल अच्छे से लॉक कर लेंगे। इसको हमें बहुत टाइटली क्लोज करना है ताकि बहुत अच्छे से लॉक हो जाए, और जब हम इसको फ्राई करें तो हमारा ड्राई फ्रूट बिल्कुल निकल के बाहर ना आए और इसका एक शेप बरकरार रहे। फ्राई करने के लिए हमने असली घी अपना रेडी रख दिया है, और इसी तरह से पहले हमें अपने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। देखिए, ये देखिए, हमने अपने सारे फ्रूट रोल, ड्राई फ्रूट रोल जो थे, इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं, और पैन में हमने असली घी गरम कर लिया है। अब हमें इसमें फ्राई करना है। ये अब हम अपने रोल फ्राई करने शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमारा तेल बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसे हमें हल्की आग पर फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं और क्रिस्पी हो जाए। देखिए, हमने सारे जो रोल थे वो फ्राई करके निकाल लिए हैं, और हमने अपनी रबड़ी बना के, अपनी रबड़ी पहले से तैयार करके चिल्ड कर रखी थी, और इसमें हमें अपने ये रोल डिप कर देने हैं। और हमारी रबड़ी की जो रेसिपी है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने पहले उसमें डाली हुई है, और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीजिए, हमारे ड्राई फ्रूट रोल बिल्कुल रेडी हैं। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत टेस्टी होते हैं, और इसे ठंडी रबड़ी में ही आप सर्व करें तो ये आपको डबल टेस्ट देंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करें और हमें कमेंट्स करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।